इवनिंग बेटा। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने चर्चा की थी आईयूपीएसी की। तो आईयूपीएसी में अपन ने स्टार्ट किया था बेटा, सबसे पहले देखा था एल्केन का नोमेनक्लेचर, देन देखा था बेटा एल्कीन और उसके बाद में एल्काइन। क्लियर है? अपन ओपन चेन में भी ये नोमेनक्लेचर देख चुके हैं और रिंग में भी देख चुके हैं। आज अपन बात करने वाले ये थी मल्टीपल बॉन्ड मोर देन वन टाइम आ जाए, जैसे टू टाइम्स आ जाए, थ्री टाइम्स आ जाए, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बेटा देखो, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन नोमेनक्लेचर किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, डाइईन या डाइआइन, ट्राई भी कह सकते हैं बेटा, लेकिन ट्राई के कम ही पूछे जाते हैं अपने से, ठीक है ना। डाइईन या डाइआइन, डाई का मतलब बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कितने टाइम आने वाला है, टू टाइम्स आने वाला है। तो देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा, अपन ने ये लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड यहां पर आ गया सी एच टू, देखो टू टाइम्स डबल बॉन्ड है बेटा। नंबरिंग करें तो देखो वन टू थ्री एंड ये क्या हो जाएगा फोर, फोर कार्बन की क्या है पेरेंट चेन है। तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, देखो ब्यूट की जगह बस क्या लिख देना बेटा, ब्यूटा, एल्का वर्ड यूज में ले लेना। जैसे पेंट है तो क्या लिख देंगे बेटा, पेंटा लिख देंगे जनरली। ब्यूटा वन कोमा, एक तो वन पे आ रहा है बेटा और एक थ्री पे, तो लिख देंगे वन कोमा थ्री डाई। देखो फर्स्ट पाई बॉन्ड वन पे है, सेकंड वाला कहां पे है, थ्री पे, तो ब्यूटा डाई इन। काफी बार बेटा इसे डायरेक्ट ब्यूटा वन डाई इन भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये अपन ने ये एग्जाम्पल लिया बेटा। देखो यहां पर नंबरिंग करनी है तो देखो बेटा वन टू थ्री फोर नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि टू पर क्या आ जाएगा बेटा, मिथाइल आ जाएगा। क्लियर है? तो मिथाइल है, तो नेम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम, तो चेक करें बेटा टू पर क्या है इथाइल, उसके बाद में बेटा वही वर्ड यूज में लेंगे ब्यूटा वन कोमा थ्री डाई इन, ब्यूटा वन कोमा थ्री डाई इन। ऐसे बेटा देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो अपन ने ये पेरेंट चेन ली, अब चेक कर सकते हैं बेटा ये तीनों पाई बॉन्ड पेरेंट चेन में नहीं आ सकते, तीनों के तीनों नहीं आ सकते। तो देखो पेरेंट चेन में टोटल पाई बॉन्ड कितने आ गए बेटा, टू आ गए, और ये क्या बन गया बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स किसका है बेटा, एल्कीन का। इसका नेम क्या था बेटा, इथिनल। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम, इसका नेम क्या है बेटा, थ्री इथिनल, थ्री पर आ रहा है इथिनल क्या हो गया नेम। उसके बाद में टोटल फाइव कार्बन है, तो लिख देंगे पेंटा वन कोमा फोर डाई इन, नेम क्या हो जाएगा पेंटा वन कोमा फोर डाई इन। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा, अगर अपन ने किस में ले लिया बेटा, यदि अपन ने क्या ले लिया भाई, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो भी बेटा सेम ही तरीका है, चेक करें सेम तरीके से, देखो वन टू थ्री फोर एंड ये क्या आ जाएगा फाइव। तो बेटा नेम क्या लिख देंगे, थ्री मिथाइल, सबसे पहले चेक करें थ्री पर क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स, थ्री मिथाइल। उसके बाद में टोटल फाइव कार्बन है, तो क्या लिख देंगे पेंटा वन कोमा फोर डाई इन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डाई आइन आ जाएगा। बस इनकी जगह क्या यूज में ले लेंगे बेटा, आइन वर्ड यूज में ले लेंगे। ऐसे बेटा रिंग में देखें, अगर अपन ने ये रिंग ली है चेक करें, और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाया है, तो बेटा देखो अगर अपन ने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की वन टू थ्री फोर, देखो पहला डबल बॉन्ड वन पे, नेक्स्ट वाला कहां पे आ रहा है फोर पे, बेटा अगर अपन ने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की तो चेक करें फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, सेकंड वाला थर्ड पे। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं देखते, पहले क्या देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, क्या हो जाएगा फाइव। सबसे पहले नेम क्या लिखेंगे बेटा, फाइव मिथाइल, फाइव मिथाइल, पेरेंट चेन में टोटल फाइव कार्बन है, तो पेंटा वन कोमा थ्री डाई इन, नेम क्या हो जाएगा पेंटा वन कोमा थ्री डाई इन। सेम इसी तरीके से देखो बेटा, अपन ने ये साइक्लोहेक्सीन ले लिया, चेक करें क्लियर है, यहां पर मैंने मिथाइल यहां पर इथाइल, देखिए बेटा अब तो सेम लोकेशन है, तो वन टू थ्री देन ये क्या आ जाएगा फोर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, वन इथाइल, उसके बाद में बेटा फोर पे क्या आ रहा है मिथाइल, पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने बेटा सिक्स, तो क्या लिखेंगे बेटा हेक्सा, उसके बाद में वन और थ्री पर क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तो वन कोमा थ्री डाई ई। चेक करें भाई, अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो इन की जगह क्या लगा देंगे भाई, आइन लगा देंगे। क्लियर बेटा, फटाफट से चेक करें, डाउट हो तो बोले भाई। क्लियर बेटा, ये
देखिए बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट के बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। ये तो डाई इन और डाई आइन की बात हो गई। नेक्स्ट में बेटा अपन देख रहे हैं इन आइन का मतलब ये हो गया बेटा डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, क्या आ जाए, दोनों बॉन्ड साथ में आ जाए, डबल भी और ट्रिपल भी, तब नॉमन क्लेचर कैसे करें। तो नेक्स्ट अपन क्या करें बेटा, वही आईयूपीएसी इन आइन, इन का मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड और आइन का मतलब क्या हो गया बेटा ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो बेटा है क्या, जैसे अपन ने ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया बेटा, इसको ऐसा लिख देते हैं भाई, समझेंगे। तो बेटा इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पे क्या आएगा ट्रिपल आएगा। तो बेटा यदि लोकेशन सेम है, दोनों पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है डबल की और ट्रिपल की लोकेशन सेम है, तो नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से, क्योंकि सेम लोकेशन हो तो अपने को पता डबल को क्या लिखते हैं ई लिखते हैं, ई आएगा और ट्रिपल में क्या आएगा वाई आएगा। तो इसलिए अपन क्या कह देंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट या ब्यूटा, आपकी जो इच्छा हो ब्यूट। अब चेक करें बेटा डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, वन पे तो वन इन, और बेटा उसके बाद में थ्री पर क्या लिख देंगे आइन, ब्यूट वन इन थ्री आइन। इसे बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट इन आइन, ब्यूट फोर कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखे, दो अपन ने ये एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल बेटा ये ले लेते हैं। देखिए अब इसमें बेटा पहले कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, वन नंबर मिलेगा, लेकिन राइट से करते हैं तो ट्रिपल को कौन सा मिलता, सेकंड। इसलिए देखो वन टू थ्री फोर एंड ये क्या फाइव, यहां लोकेशन सेम थी, यहां लोकेशन क्या है डिफरेंट, पहले डबल बॉन्ड आ रहा है तो नंबरिंग किसकी तरफ से, डबल बॉन्ड की तरफ से। इसलिए नेम क्या लिखेंगे बेटा, पेंट, वन पे आ रहा है इन, उसके बाद में बेटा थ्री पे क्या आ रहा है आइन। इन बेटा नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें, यहां देखो अब डबल बॉन्ड सेकंड पे आएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आएगा फर्स्ट पे। तो बेटा वही है, अगर लोकेशन सेम है तो किसकी तरफ से करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड की तरफ से। यदि लोकेशन सेम नहीं है तो जिधर से डबल मिले पहले या ट्रिपल मिले उसी की तरफ से क्या कर देंगे बेटा, नंबरिंग कर देंगे। इसलिए नंबरिंग अब किसकी तरफ से, ट्रिपल की तरफ से। अब क्या लिखेंगे बेटा, टोटल फाइव कार्बन है तो पेंट, उसके बाद में क्या लिखेंगे पेंट, उसके बाद में चेक करें बेटा थ्री पर क्या आ रहा है इन, थ्री पर क्या आ रहा है इन, और बेटा वन पे क्या आ रहा है आइन। तो नेम क्या हो जाएगा, पेंट थ्री इन वन, क्लियर है भाई। ऐसे देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने ये एग्जांपल लिया, देखिए ये वन टू थ्री फोर एंड ये क्या जाएगा फाइव। तो चेक करें बेटा टू पर इथाइल है, देन थ्री पर क्या है मिथाइल, थ्री मिथाइल, टोटल फाइव कार्बन है तो पेंट, वन पे इन, और बेटा चेक करें फोर पे क्या आ रहा है आइन, फोर पे क्या आ रहा है आइन। तो इस तरीके से अपन किसका नेमिंग कर सकते हैं बेटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग कर सकते हैं। और चेक करें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या थे बेटा, प्राइमरी सफिक्स थे, और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में भी अपन ने चर्चा नहीं की, क्लियर बेटा। तो सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स के लिए अपन प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे, क्या बनाएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले तो ये नोट करें और फिर प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए भाई समझे, नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर की चर्चा करते हैं। देखो बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर याद ही होना चाहिए, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में सीनियर और जूनियर क्या किए जाएंगे, डिसाइड किए जाएंगे, ध्यान रखें, क्लियर है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल रहे हैं बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, देखो यहां पर तो अपन क्या कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं, भाई फंक्शनल ग्रुप कौन सा है,
सेकंड कॉलम में बेटा अपन लिख लेते हैं स्ट्रक्चर कि भाई फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। थर्ड में अपन लिख लेते हैं बेटा प्रीफिक्स कि इस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होगा। उसके बाद में लिख लेते हैं बेटा सफिक्स और एक और ऐड कर रहे हैं अपन एडिशन सफिक्स। क्या बेटा? एडिशन सफिक्स। ये एडिशन सफिक्स कब यूज में आएगा उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले अपन इनके लिए चेक करें बेसिक तरीके से। तो बेटा जो ऑर्गेनिक में सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सबसे सीनियर है वो कौन सा है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में आएगा बेटा सेकंड नंबर पर आएगा सल्फोनिक एसिड। कौन सा आता है बेटा इसके बाद? सल्फोनिक एसिड। थर्ड नंबर पे आएगा बेटा एनहाइड्राइड। कौन सा आएगा? एनहाइड्राइड। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आ जाएगा बेटा आपके पास में एस्टर। एस्टर के बाद में फिफ्थ नंबर पर अपन कह रहे हैं ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड या एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं। क्लियर बेटा? देखो अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक की स्ट्रक्चर अभी सभी को पता है COH, या अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सल्फोनिक की स्ट्रक्चर बेटा अपने को अच्छे से पता है यहां पर क्या रहेगा, कुछ ऐसा, और आप इसे क्या लिख सकते हैं? SO3H भी लिख सकते हैं, ये भी पता है। एनहाइड्राइड बेटा, एनहाइड्राइड में देखो क्या स्ट्रक्चर होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर रहने वाली है। एस्टर की स्ट्रक्चर बेटा अपन ने पहले भी देखी थी, यहां पर क्या रहेगा बेटा? R। सबसे पहले इस R का ही नेम लिखना होता था, याद करें। उसके बाद में बेटा ऑयल हैलाइड, तो ऑयल हैलाइड में भी देखा था COX, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर भाई? अगर अपन प्रीफिक्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या होता है बेटा? कार्बोक्सी। यदि अपन चर्चा करें सल्फोनिक की तो सल्फोनिक का प्रीफिक्स होता है सल्फो। क्या होता है बेटा? सल्फो। एनहाइड्राइड की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्लियर भाई? उसके बाद में जो एस्टर है, एस्टर के दो प्रीफिक्स होते हैं बेटा। कितने प्रीफिक्स होते हैं? दो। एक तो होगा बेटा एल्केनोइल ऑक्सी, एक तो क्या होता है? एल्केनोइल ऑक्सी। और एक होता है कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये दो प्रीफिक्स हैं, कब कब यूज में आएंगे वो अपन बाद में देखेंगे। एक तो क्या है? एल्केनोइल ऑक्सी। दूसरा है क्या बेटा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये दो प्रीफिक्स हो गए, किसके बेटा? एस्टर के। फिर ऑयल हैलाइड की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होता है बेटा हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल, हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल। क्लियर बेटा? ये प्रीफिक्स। यदि सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स होता है बेटा ओइक एसिड। याद करें बेटा कॉमन नेम में क्या था? इक एसिड। इक एसिड तो था कॉमन में, ओइक एसिड किसमें है भाई? IUPAC में। यदि सल्फोनिक की बात करें तो बेटा सल्फोनिक का होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। और एनहाइड्राइड के बारे में अपन चर्चा करें तो वहां पर लिखा था बेटा इक एनहाइड्राइड, यहां पर क्या हो जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा बेटा? ओइक एनहाइड्राइड। चेक करें बेटा, दिक्कत है क्या? वहां पर बेटा सफिक्स का था 8, कॉमन में क्या यूज में लिया था अपन ने? 8 लिखा था। यहां पर होता बेटा ओएट। क्या होता है? ओएट होता है। उसके बाद में हेलो फॉर्माइल, तो बेटा वहां पर था अल हैलाइड, यहां पर होगा बेटा ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड वहां पर कॉमन में क्या था? अल हैलाइड, यहां क्या है? ऑयल हैलाइड। फिर बेटा एडिशन सफिक्स, इसका एडिशन सफिक्स होता बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा सल्फोनिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, सल्फोनिक में नहीं होता। तो बेटा अपन क्या कहेंगे? एडिशन सफिक्स उन्हीं में होगा जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, जिनमें क्या है? कार्बन है। सल्फोनिक एसिड में नहीं है, कार्बन नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे? एडिशन सफिक्स भी नहीं है। उसके बाद में देखो बेटा क्या है? एनहाइड्राइड, तो बेटा इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा।
चेक करें बेटा। उसके बाद में देखो एस्टर का अपन क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेट होता है। क्या होगा बेटा, एडिशन से फिक्स कार्बोक्सिलेट। और बेटा ये जिसकी बात करें तो इसका होगा बेटा कार्बोनाइल हैलाइड। इसका क्या होगा, कार्बोनाइल हैलाइड। अरे कार्बोनाइल हैलाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इसमें दिक्कत है क्या? अब समझो भाई ये प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है। जैसे अपने पास में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया, भाई एसिड भी आ गया, एस्टर भी आ गया, सल्फोनिक भी आ गया, तो देखो सबसे पहले सीनियर देखेंगे। सीनियर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। मतलब कार्बोक्सिलिक का तो क्या यूज में लेना पड़ेगा, सफिक्स। और सीनियर एक ही होगा बेटा, एक ही टाइप। एसिड और सल्फोनिक एक साथ सीनियर नहीं हो सकते, या तो कार्बोक्सिलिक। और बेटा सीनियर कौन होगा, जो टेबल के अंदर ऊपर आएगा वो क्या है, सीनियर। जो डाउन में आएगा वो जूनियर। जो सीनियर है उसका क्या होगा बेटा, सफिक्स यूज में आएगा। और जो बाकी बच गए उनके सभी के क्या आएंगे, प्रीफिक्स। और बेटा प्रीफिक्स के लिए कोई भी रूल नहीं होता, प्रीफिक्स के लिए सीनियरिटी ऑर्डर नहीं है। प्रीफिक्स का नाम हमेशा कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। प्रीफिक्स हमेशा कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये बेटा प्रीफिक्स के लिए नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए बेटा, सफिक्स के लिए है। पहले तो इसमें डाउट है तो बोले भाई फटाफट। हाँ भाई इसमें डाउट है तो बोले। ठीक है भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट से, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है देखिए बेटा नेक्स्ट, देखो बेटा नेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है अब ये अपन ने कहां तक लिखा है बेटा, ऑयल हैलाइड तक। ठीक है उसके बाद में बेटा फाइव के बाद में सिक्स नंबर आएगा एमाइड। कौन सा आएगा, एमाइड। एमाइड के बाद में आ जाएगा बेटा साइनाइड। साइनाइड से जूनियर होता है बेटा आइसोसाइनाइड। क्या बेटा, आइसोसाइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड के बाद में अपन ले लेंगे बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद में आएगा बेटा कीटोन। कौन आएगा बेटा, कीटोन। देखो एमाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये स्ट्रक्चर होने वाली है। ठीक है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ NH2 होता है जिसे एमाइड बोलते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं आएगा तो उसे एमाइन बोलते हैं। ठीक है उसके बाद में साइनाइड होता है बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसे अपन CNB लिख सकते हैं। फिर आइसोसाइनाइड में बेटा नाइट्रोजन से कार्बन कनेक्ट होता है, इसे अपन क्या लिख देंगे, NC। क्लियर है। फिर देखिए बेटा एल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसे अपन CHOB लिख सकते हैं, ये एल्डिहाइड। फिर बेटा कीटोन, कीटोन में बेटा देखो कार्बन, ये जो CO है इसके दोनों तरफ क्या होनी चाहिए बेटा, कार्बन होनी चाहिए तब तो कीटोन। एक तरफ क्या आ गया बेटा आपके पास में, हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। ये प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल। क्या होता है बेटा, कार्बामोइल होता है इसका प्रीफिक्स। साइनाइड का होता है बेटा साइनो। आइसोसाइनाइड का होता है बेटा आइसोसाइनो। एल्डिहाइड का होता है बेटा दो होते हैं एल्डिहाइड के, एक तो होता है बेटा अपन क्या कहेंगे, फॉर्माइल या कीटो। ये कब यूज में लेना है, फॉर्माइल या फिर बेटा ऑक्सो, ये कब यूज में लेना है तब भी देखेंगे। ठीक है और कीटोन का प्रीफिक्स बेटा ऑक्सो भी होता है और काफी बार कीटो भी लिख दिया जाता है, ये कब यूज में लेंगे वो अपन नोमेनक्लेचर में देखेंगे। ठीक है नेक्स्ट सफिक्स, बेटा एमाइड का सफिक्स एमाइड ही होता है और एडिशन सफिक्स होता है बेटा कार्बोक्स एमाइड।
कार्बोक्स एमाइड क्या होता है, एडिशन सफिक्स होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में बेटा साइनाइड, साइनाइड का सफिक्स होता है बेटा नाइट्राइल, क्या होता है नाइट्राइल। और बेटा अपन क्या कहेंगे कार्बोनाइट्राइल, इसका क्या होगा एडिशन सफिक्स। नाइट्राइल तो क्या बेटा सफिक्स, और एडिशन सफिक्स क्या होता है बेटा कार्बोनाइट्राइल। बेटा इसका हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, और यहां रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा ये, कार्बन से कनेक्ट नहीं होगा। फॉर्माइल बेटा इसका होता है अल, क्या होता है अल, एल्डिहाइड का। और बेटा कीटोन का होता है ओन, क्या होता है ओन होता है बेटा, क्लियर है। अगर इसकी बात करें तो बेटा इसका एडिशन सफिक्स होता है कार्बेल्डिहाइड, क्या होता है कार्बेल्डिहाइड, और यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो ये सफिक्स और एडिशन सफिक्स क्यों लिख रहे हैं समझो भाई, देखो कब यूज में लेने बेटा, जब अपन इसके कार्बन को फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में लेंगे तो बेटा इसे लिखा जाएगा, अपन क्या लिखेंगे सफिक्स यूज में लेंगे। लेकिन जब इसके कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लेंगे तो इसे क्या लिखा जाएगा एडिशन सफिक्स यूज में लिया जाएगा। कब यूज में लेते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप या तो ओपन चेन में मिनिमम 3 times आ जाए, ओपन चेन में कम से कम कितनी बार आ जाए 3 times, या बेटा डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाए रिंग से। जब फंक्शनल ग्रुप या तो डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाए रिंग से, या ओपन चेन में कम से कम कितनी बार आ जाए बेटा 3 times आ जाए, तो वहां पर बेटा सफिक्स नहीं क्या यूज में लिया जाता है एडिशन सफिक्स। वो क्यों यूज में लिया जाता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, क्लियर भाई। ये फटाफट से स्क्रीनशॉट लें इसका, देखिए नेक्स्ट, ये 10th तक हो गए। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखो बेटा एल्डिहाइड कीटोन तक लिख चुके हैं, 10 हो गए। 11 नंबर है बेटा एल्डिहाइड के बाद में आ गया एल्कोहल, एल्कोहल के बाद में अपन ले लेते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, फिर अपन ले लेते हैं 13 नंबर एमाइन, एमाइन के बाद में ले लेते हैं बेटा एल्कीन, एल्कीन, और एल्कीन के बाद में अपन ऐड कर रहे हैं बेटा एल्काइन, क्या एल्काइन, समझे बेटा। एल्कोहल है तो एल्कोहल की बेटा स्ट्रक्चर क्या होती है OH, कार्बन से कनेक्टेड होगा। थायो एल्कोहल में क्या होता है SH, एमाइन में याद करें बेटा इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं ऐसे भी, और अपन क्या क्या सीख सकते हैं तीनों तरफ भी क्या लगा सकते हैं कार्बन लगा सकते हैं, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी और ये टर्शियरी। बेटा एल्कीन अपन पढ़ चुके हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एल्काइन क्या होता है बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यदि प्रीफिक्स की बात करें तो बेटा प्रीफिक्स होता है इसका हाइड्रोक्सी, एल्कोहल के क्या होता है बेटा हाइड्रोक्सी, और बेटा थायो एल्कोहल का होता है मरकेप्टो, क्या होता है बेटा मरकेप्टो थायो एल्कोहल का। एमाइन का बेटा प्रीफिक्स होता है एमिनो, क्या होता है बेटा एमिनो। उसके बाद में बेटा एल्कीन का क्या होता है एल्कीनल, और एल्काइन का था बेटा एल्काइनल, क्या था एल्काइनल। सफिक्स बेटा अपन पढ़ चुके हैं, यहां पर देखो सफिक्स क्या होगा ओल, इसका हो जाएगा बेटा थायोओल, क्या हो जाएगा थायोओल, और एमाइन का सफिक्स होता है बेटा एमाइन, और बेटा नेक्स्ट है एल्कीन वगैरह, इसके अपन सफिक्स पढ़ ही चुके हैं पहले बेटा क्या होता है इसका, क्या था इन, और इसका क्या था बेटा आइन, और यहां पर किसी में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर भाई। देखो अब इसमें जो टेबल के अंदर ऊपर आएगा उसका सीनियर यूज में आने वाला है बेटा, जो टेबल में डाउनवर्ड आएगा उसका क्या यूज में लेंगे वो जूनियर हो जाएगा। जूनियर का तो क्या लिखना है बेटा प्रीफिक्स, सीनियर का क्या लिखना है बेटा सफिक्स,
वो डिसाइड कैसे होंगे, जूनियर और सीनियर बेटा इस टेबल के अकॉर्डिंग। इसलिए देखो ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए बेटा, नीट में देख दो बार क्वेश्चन डायरेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर से भी पूछ लिया जाता है कि भाई फंक्शनल ग्रुप लिख देता है दो तीन और बोल देगा इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है सभी का, ठीक है। तो डायरेक्ट इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एल्कीन एल्काइन एल्केन का नोमेनक्लेचर अपन देख चुके हैं, ये वाले देखने हैं बेटा अपने को। देखिए नेक्स्ट समझे बेटा, देखो भाई अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर एसिड का। इन याद करें अपन ने पैटर्न क्या बनाया था, सबसे पहले तो लिख रहे थे बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें क्या आ गए थे सभी के सभी सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर आ गए थे बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन या क्लोज चेन, ओपन है तो कुछ नहीं, क्लोज है तो क्या लगाना था बेटा साइक्लो। फिर बेटा वर्ल्ड रूट टोटल कार्बन, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स सीरीज बेटा एल्केन एल्कीन या एल्काइन बेटा, फिर है सेकेंडरी सफिक्स। बेटा ये जो सेकेंडरी सफिक्स है जो अपन ने टेबल बनाई है ये किसके बनाई है, सेकेंडरी सफिक्स की बनाई है, क्लियर है। उस टाइम अपन ने कहा था भाई सेकेंडरी सफिक्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखो भाई अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक का नेम, सबसे पहले सीनियर कौन सा भाई कार्बोक्सिलिक है, तो स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम कैसे लिखें, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं बेटा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, देखो बेटा एसिड है कि नहीं है कार्बोक्सिलिक, पेरेंट चेन में टोटल एक कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं, रिंग है नहीं, वाइड रूट, वाइड रूट में चेक करें तो बेटा वन कार्बन है तो क्या लिखेंगे मैथ, सबसे पहले मैथ वाइड रूट। उसके बाद में बेटा देखो प्राइमरी सफिक्स ये एल्केन है एल्कीन या एल्काइन, तो बेटा ये एल्केन है क्योंकि मैंने कहा था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को एल्कीन नहीं कहते, इसलिए मैथ के बाद में क्या लिखना पड़ेगा एन, इन नहीं, इन कब लिखते हैं जब एल्कीन आएगी, क्लियर है। तो मैथ प्लस एन प्राइमरी सफिक्स, और बेटा सेकेंडरी सफिक्स अभी अपन ने पढ़ा है क्या होता है ओहिक एसिड, क्या होता है ओहिक एसिड, तो कंप्लीट नेम दिखे मैथेनोइक एसिड, मैथ क्या है वर्ड रूट, एन क्या है प्राइमरी सफिक्स, ओइक क्या है सेकेंडरी सफिक्स, दिक्कत है क्या बेटा कोई। ऐसे ही देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अपन ने ये लिखा और एसिड को मैंने इस तरीके से लिख दिया अगली बार, ठीक है, और यहां पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, तो देखो वन ये क्या आ गया टू, पेरेंट चेन में टोटल टू कार्बन है बेटा, चेक करें पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने आ गए टू। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स भी नजर आ रहा है क्लोरीन है कि नहीं है, सबसे पहले नेम किसका बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे टू क्लोरो, चेक करें टू क्लोरो। उसके बाद में पेरेंट चेन में टोटल टू कार्बन है तो नाम क्या लिखेंगे बेटा एथ, उसके बाद में एन और उसके बाद में ओइक एसिड, नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथ दो कार्बन के लिए एन एल्केन के लिए बेटा, ओइक एसिड क्या है सेकेंडरी सफिक्स है। सेम इसी तरीके से देखे बेटा, देखो मैंने ये एसिड लिखा, ये एसिड है बेटा, यहां पर मैंने OH लगा दिया और यहां पर ये मिथाइल लगा दिया, चेक करें देखो सीनियर बेटा एल्कोहल है या एसिड है, सीनियर क्या है बेटा एसिड है, इसलिए नंबरिंग किसकी तरफ से बेटा एसिड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो बेटा ये OH क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जूनियर है, जूनियर का मतलब केवल और केवल क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है बेटा, सीनियर एक ही होता है, मैंने कहा ये एसिड क्या आ गया सीनियर, तो ये दोनों क्या बच गए बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम कैसे लिखते हैं ऑलवेज अल्फाबेट, बेटा OH को क्या लिखा था अपन ने प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, इसलिए पहले नाम किसका लिखेंगे हाइड्रोक्सी का, तो नेम हो जाएगा टू हाइड्रोक्सी, ऊपर OH तो टू हाइड्रोक्सी। उसके बाद में चेक करें थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया, रिंग है नहीं, वाइड रूट, वाइड रूट में चेक करें टोटल फोर कार्बन है तो नेम क्या लिखेंगे बेटा ब्यूट, उसके बाद में एन ब्यूटेन, उसके बाद में सफिक्स लगा दो बेटा ओइक एसिड, तो नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड,
क्लियर भाई। इसी तरीके से देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया, चेक करें यहां पर। देखो मैंने ये एसिड इस तरीके से बना दिया, चेक करें बेटा ये भी एसिड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये क्या है एसिड है। यहां पर लगा दिया देखो मैंने अब OH और यहां पर लगा दिया ब्रोमो। अब की बार चेक करना देखो, 1 2 3 4 फोर कार्बन की पेरेंट चेन अभी भी दिक्कत है क्या? दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्रोमीन और हाइड्रोक्सी, क्लियर है बेटा। अब देखो दोनों में नेम पहले किसका लिखेंगे, ब्रोमीन का लिखेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो पहले आ रहा है, क्योंकि ब्रोमीन स्टार्टिंग कहां से होता है, बी से, जबकि OH में हाइड्रोक्सी कहां से स्टार्ट होगा, एच से। इसलिए सबसे पहले नेम किसका लिखेंगे, ब्रोमीन का। तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, देन 3 पर क्या है बेटा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और पेरेंट चेन में अभी भी 4 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड। नेम क्या होने वाला है बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर है बेटा। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये एसिड लिया अपन ने, ये क्या लिखा है एसिड, यहां पर लिख दिया बेटा मैंने NH2, NH2 को क्या बोलते हैं बेटा, एमिनो, याद करें क्या बोलते हैं, एमिनो। देखो सीनियर कौन, एसिड, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, चलो 5 के बना लेते हैं, कोई नहीं, टोटल कार्बन कितने आ गए 5। तो बेटा देखो 2 पर है इथाइल, ये मत करना ये 4 ये 5, नहीं बेटा ये पेरेंट चेन मत ले लेना, एसिड के कार्बन को पेरेंट चेन में लेना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है बेटा सीनियर है, और इस कार्बन में एसिड के अंदर कार्बन भी आ रहा है। तो सबसे पहले नेम लिखेंगे बेटा 3 एमिनो, क्योंकि एमिनो में स्टार्टिंग कहां से है, ए से। उसके बाद में 2 इथाइल, क्या लिखेंगे बेटा 2 इथाइल, और पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, पेंट प्लस एन प्लस ओइक प्लस एसिड, नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड नेम हो जाएगा। ऐसे देखिए बेटा अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, मैंने इस टाइप से ये OH लगा दिया, यहां पर मैंने ये डबल बॉन्ड लगा दिया, चेक करें ठीक है। तो देखो 1 2 3 और ये क्या आ गया 4, क्योंकि पेरेंट चेन में बेटा डबल बॉन्ड को लेना भी क्या होता है, कंपल्सरी होता है। तो देखो यहां पर और सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो 3 पर क्या आ रहा है इथाइल, तो सबसे पहले नेम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का, 3 इथाइल, क्या बेटा 3 इथाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन में चेक करो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। उसके बाद में इन कहां पर है, 3 पर, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन। उसके बाद में सफिक्स क्या आ जाएगा बेटा, ओइक एसिड, सफिक्स क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। इसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था इस 3 को आप पहले भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 ब्यूट इन ओइक एसिड, ऐसे भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं, इस 3 को आप पहले भी लिख सकते हैं। डाउट है बेटा इसमें, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा फटाफट। हाँ भाई डाउट बोले बेटा, हाँ भाई अनिल, अनिल बेटा डाउट है क्या, अनिल, जतिन, प्रज्ञा, शाहरुख, युवराज, हाँ भाई बोले बेटा बोले फटाफट, क्लियर है बेटा ये। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल और ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मिटा रहे हैं, ठीक है। बेटा नंबरिंग अपने को उधर से करनी है जहां से सीनियर को कम नंबर मिले, सीनियरिटी किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, ठीक है, यहां पर मैंने एसिड लगा दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये, ठीक है भाई, यहां पर मैंने लगा दिया OH,
देखो भाई सीनियर एसिड है तो वन टू थ्री फोर और ये आ गया फाइव। सबसे पहले चेक करें सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे आ रहा है बेटा, टू पर, तो क्या लिखेंगे टू हाइड्रोक्सी। चेक करें टू पर क्या है हाइड्रोक्सी। उसके बाद में पेरेंट चेन में टोटल फाइव कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट, और बेटा आयन कहां पे है थ्री पे, तो आप क्या लिखेंगे इस थ्री को पहले भी लिख सकते हैं पेंट थ्री आयन, और उसके बाद में चलो इधर लिख देता हूं मैं पेंट आयन ओइक एसिड, पेंट आयन ओइक एसिड। और बेटा आयन है कहां पे थ्री पे, तो मैंने कहा ना इस थ्री को आप पहले भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, देखो ये एसिड बनाया यहां पर एल्काइन यहां पर एल्कीन ये इथाइल, ठीक है भाई। देखो वन टू थ्री फोर एंड ये फाइव, क्योंकि डबल बॉन्ड को लेना कंपलसरी है। देखिए बेटा अब नेम लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, फोर पे आ गया बेटा इथाइल, फोर पे इथाइल, पेरेंट चेन में टोटल फाइव कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा पेंट। उसके बाद में फोर पे क्या है ईन, चेक करें फोर पे ईन, और बेटा टू पर क्या है आइन, और उसके बाद में क्या लगा दोगे ओइक एसिड। बेटा पहले मैंने ईन लिख दिया फिर आइन लिख दिया, क्लियर है। इसी तरीके से देखिए भाई नेक्स्ट, अब देखो बेटा नेक्स्ट अपन ने क्या किया, ये एसिड है और ये एसिड टू टाइम्स लिख दिया अपन ने, देखो तो बेटा वन टू थ्री फोर, क्लियर है, दोनों को पेरेंट चेन में ले लिया अपन ने, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, दिक्कत है क्या ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। उसके बाद में एसिड देखो वन पे आ रहा है और फोर पे डाइओइक एसिड, वन फोर डाइओइक एसिड, आप इसे इसे भी ऐसे भी मेंशन करते हैं ब्यूटेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, क्योंकि आपको पता है कि सीनियर कौन है एसिड, तो एंडिंग में मिलना है वन और फोर, क्लियर बेटा। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये अपन ने एसिड लिखा, इधर भी मैं एसिड बना रहा हूं, देखो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा दिया, देखो पेरेंट चेन में देखो वन टू थ्री फोर, तो नेम क्या लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स टू मिथाइल, टू मिथाइल, पेरेंट चेन में टोटल फोर कार्बन तो क्या लिखेंगे ब्यूट, टू पर क्या है ईन, इसे टू को आप पहले भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट डाइओइक एसिड लिख दो या क्या लिख दो वन फोर डाइओइक एसिड, ये वन फोर आप मेंशन करें या नहीं करें दिक्कत है क्या भाई। देखो भाई ये एसिड दो बार आया तो दोनों के दोनों एसिड पेरेंट चेन में आसानी से आ गए, दोनों के दोनों एसिड क्या हो गए पेरेंट चेन में आसानी से कंसिडर हो गए। लेकिन देखो अब की बार अपन ने क्या किया, ये एसिड लिया इस एसिड में चेक करें, अब नंबरिंग करते हैं, देखो भाई क्लियर है। देखो बेटा अब ये तीनों एसिड है क्या ये पेरेंट चेन में आ सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ये दोनों तो आ जाएंगे लेकिन वाला नहीं आएगा चक्कर, ये वाला नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा था बेटा जब भी मिनिमम थ्री टाइम्स क्या आ जाए सीनियर आ जाए तो बेटा उस केस में क्या करना चाहिए अपने को एडिशन सफिक्स, और एडिशन सफिक्स क्या था कार्बोक्सिलिक, जब बेटा इसे कार्बोक्सिलिक लिखा जाएगा तो इसको पेरेंट चेन में नहीं लेंगे, ये कार्बोक्सिलिक और ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक, क्लियर है। तो देखो ये तीनों कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बन को तो अपन पहले क्या लिख चुके हैं कार्बोक्सिलिक, तो देखो पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने थ्री आ जाएंगे, तो नेम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, वन कोमा टू कोमा थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम क्या हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसे ओइक नहीं लिखेंगे, जब भी इसका एडिशन सफिक्स यूज मिलेंगे तो इस कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे देखो ना कार्बोक्सिलिक, कार्बन वर्ड इसी में आ गया एडिशन सफिक्स में। इसी तरीके से देखिए बेटा नेक्स्ट ये एग्जांपल, एक एसिड ये हो गया ये हाइड्रोक्सी, ठीक है अभी भी नहीं आ सकते, तो देखो वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन की पेरेंट चेन, टू पर चेक करो क्या है
थ्री पर क्या है हाइड्रोक्सी, थ्री पर आ गया हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन में देखो वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन। उसके बाद में वन कोमा टू कोमा फोर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख देंगे बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक करें भाई दिक्कत है क्या, ये वन टू और ये क्या है फोर है, चेक करें भाई डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट से। एडिशन सफिक्स कब यूज में लेना है, जब आप क्या कहेंगे बेटा सीनियर कितनी बार आ जाए, मिनिमम टू टाइम्स सॉरी थ्री टाइम्स आ जाए ओपन चेन में। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट फटाफट से नोट करें भाई, फटाफट से क्या करें नोट करें बेटा, एक दो का समझ लें बाकी सीक्वेंस सभी में क्या है सेम ही आएगा, बाकी सभी में सीक्वेंस सेम आ जाएगा। देखिए भाई ये तो अपन ने चर्चा की किसमें ओपन में, अब रिंग में देखते हैं भाई रिंग में नोमेनक्लेचर कैसे करें, रिंग में नोमेनक्लेचर कैसे लिखें। देखो ठीक है भाई देखिए समझते हैं, अब देखो बेटा अपने पास में कहीं ये रिंग बना के दे दी, और देखो रिंग से डायरेक्ट कौन कनेक्ट है बेटा कार्बोक्सिलिक कनेक्ट है, ध्यान रखिए। ओपन चेन में तो एडिशन सफिक्स का यूज में लेना है, जब सीनियर मिनिमम कितने टाइम आ जाए थ्री टाइम्स आ जाए। क्लोज में कब यूज में लेना है, जब डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाए रिंग से। देखो इसको क्या लिखना पड़ेगा अब कार्बोक्सिलिक, तो पेरेंट चेन में चेक करो टोटल कार्बन कितने आ गए फोर, तो क्या लिखेंगे पेरेंट चेन में चेक करो साइक्लो ब्यूट प्लस एन साइक्लो ब्यूटेन, और फिर क्या लिख देंगे बेटा एडिशन सफिक्स, और एडिशन सफिक्स चेक कर सकते हैं बेटा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिशन सफिक्स क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बेटा चेक करें अगर अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा और यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर मैंने कुछ मिथाइल लगा दिया, देखो सीनियर कौन है बेटा एसिड, देखो नंबरिंग फिक्स है यहीं से। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ जाना चाहिए कि डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ बेटा ये टू ये थ्री ये फोर और ये फाइव, क्योंकि बेटा ये सेकेंडरी सफिक्स है, डबल बॉन्ड ये होता है प्राइमरी सफिक्स, पहले सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं फिर प्राइमरी सफिक्स। चेक करें फाइव पे दिख रहा है बेटा मिथाइल, तो नेम हो जाएगा फाइव पे मिथाइल। उसके बाद में चेक करें पेरेंट चेन में टोटल फाइव कार्बन है तो साइक्लोपेंट, और बेटा इन वन पे नहीं है टू पे, तो क्या लिखेंगे साइक्लोपेंट टू इन, और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड या तो लिख दो वन कार्बोक्सिलिक एसिड या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अपने को पता है वन पे आने वाला है सीनियर है। तो भाई सेम इसी तरीके से देखें भाई अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, यहां पर ये लिखा भाई ठीक है, यहां पर मैंने अब की बार ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हाइड्रोक्सिल और ये बेटा NH2 एमिनो याद करें ठीक है। तो देखो सीनियर एसिड है वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, बेटा एक तो प्रीफिक्स क्या हो गया हाइड्रोक्सी और एक कौन एमिनो, पहले लिखना पड़ेगा एमिनो क्योंकि बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट्स है और सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम ऑलवेज कैसे लिखा जाता है अल्फाबेट, सिक्स एमिनो फोर हाइड्रोक्सी, फोर पे क्या है हाइड्रोक्सी। उसके बाद में पेरेंट चेन में टोटल सिक्स कार्बन है तो साइक्लोहेक्स, चेक करें बेटा टू पर क्या आ रहा है ईन, और वापस से एडिशन सफिक्स बेटा क्या लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिशन सफिक्स क्या लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर भाई। ऐसे देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने ये रिंग ली बेंजीन और इस पे एसिड लगा दिया ठीक है भाई, तो इसका डायरेक्ट नेम क्या हो जाएगा बेटा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम क्या हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेटा इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड,
और बेटा आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि आप इसे बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों ही नाम सही है, कॉमन नेम है, हालांकि बेंजोइक एसिड आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखा है, इसे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ये भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए भाई, मैंने ये लिया बेंजोइक एसिड, ये थ्री पर क्लोरो, इधर थ्री पर क्या है ब्रोमो, तो देखो बेटा फर्स्ट तो ये 1 2 3, इधर थ्री पे क्लोरीन, इधर थ्री पे ब्रोमीन, इसलिए मैं किधर जाऊंगा बेटा, ब्रोमीन की तरफ, क्योंकि सेम लोकेशन है, तो क्या देखते हैं अल्फाबेट, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, थ्री ब्रोमो 5 क्लोरो, उसके बाद में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेटा आप क्या लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। क्लियर भाई? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर अपने पास में ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, देखिए रिंग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, चेक कर लें, ये मैं क्लोरीन भी लगा देता हूं, तो देखो 1 2 3, दिक्कत है क्या? अब बेटा एडिशन सफिक्स यूज में नहीं लेंगे, एडिशन सफिक्स कब यूज में लेंगे, जब रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो बेटा सबसे पहले नेम लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, नेम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। चेक करें भाई जनता, डाउट है क्या, ये अपना नेमिंग किसका था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग किसका था, कार्बोक्सिलिक, देखो बेटा कार्बोक्सिलिक में कार्बन होता है, इसलिए अपन नंबरिंग कहां से करते हैं, कार्बोक्सिलिक के कार्बन से ही करते हैं ट्राई, ठीक है, तो इन सल्फोनिक में अपने को पता है बेटा कार्बन नहीं होता, तो नेक्स्ट सल्फोनिक की चर्चा करेंगे, इसमें बोले भी डाउट है फटाफट से नोट करें। हाँ भाई डाउट बोले फटाफट, क्लियर भाई? देखो ये था बेटा अपना कौन सा, कार्बोक्सिलिक का आईयूपीएसी। नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी, सल्फोनिक की। नेक्स्ट कौन सा देख रहे हैं बेटा, सल्फोनिक। नेक्स्ट है बेटा सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक से जूनियर कौन था बेटा, सल्फोनिक। सल्फोनिक ऐसे ये क्या था बेटा, आर एसओ थ्री एच, आर की जगह बेटा कोई भी कार्बन। देखो भाई जैसे अपन ने ये लिखा सी एच थ्री सी एच टू एसओ थ्री एच, देखो भाई पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स कोई है नहीं, तो नेम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट एथ, उसके बाद में एन एथेन, दिक्कत देखिए बेटा, फिर चेक करें बेटा सफिक्स क्या है इसका, सल्फोनिक एसिड, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, सल्फोनिक एसिड, एथेन सल्फोनिक एसिड। फिर देखो भाई नेक्स्ट, अब की बार मैंने ये एग्जाम्पल लिया, थोड़ा समझें, तो बेटा कार्बोक्सिलिक में तो कार्बन होता है लेकिन सल्फोनिक में नहीं। अब देखो नंबरिंग 1 2 3, इधर से 3 पे आता, यहां पर चलो मैं क्लोरीन वो लगा देता हूं, इधर से सीनियर कहां पे आएगा, 2 पे, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट से, इसलिए नंबरिंग के नेम क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम सबसे पहले 3 क्लोरो, पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, तो नेम हो जाएगा ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, उसके बाद में बेटा सल्फोनिक की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी 2 सल्फोनिक एसिड। देखो भाई 1 पे है सीनियर तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 पर आ रहा है तो मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने ये सल्फोनिक लिखा, ये सल्फोनिक लिख दिया SO3H, यहां डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोक्सिल या मिथाइल कुछ भी लगाते हैं बेटा, ये देखो सबसे पहले सीनियर, देखो सीनियर कौन है, सल्फोनिक, ये मत करना डबल बॉन्ड को पहले, पहले क्या चेक करेंगे सीनियर को, प्रायोरिटी मिनिमम, तो देखो सीनियर ये सल्फोनिक है, 1 2 3 4, इधर से 4 पे, लेकिन बेटा इधर से कहां पे आ रहा है, 2 पे, पहले सीनियर को देखना है।
अब चेक करें बेटा, थ्री पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है हाइड्रोक्सी, तो नेम हो जाएगा थ्री हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन में टोटल फाइव कार्बन है तो नेम क्या हो जाएगा, पेंट फोर इन। अरे फोर पे आ रहा है डबल बॉन्ड तो पेंट फोर इन। बेटा सल्फोनिक की लोकेशन क्या है, टू, तो नेम हो जाएगा टू सल्फोनिक एसिड, टू सल्फोनिक एसिड। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने ये SO3H लिया, ये ब्रोमीन ले लिया और ये अपन ने ले लिया भाई मिथाइल, ठीक है भाई। और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड भी लगा दिया, चलो ठीक है। अब देखो बेटा वन टू थ्री, सीनियर को कौन सा मिल रहा है थ्री, इधर से भी देखो वन टू थ्री, सीनियर को तो थ्री। अब बेटा सीनियर के बाद में क्या देखा जाता है, डबल बॉन्ड, इधर से डबल बॉन्ड को कौन सा आता फोर्थ, लेकिन इधर से कौन सा मिल रहा है फर्स्ट, इसलिए नंबरिंग इधर से। पहले मैंने क्या देखा है सीनियर, सीनियर के बाद में बेटा देखना आप लोगों को, तो नेम क्या हो जाएगा आपके पास में फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो। उसके बाद में बेटा टू मिथाइल, टू पर है मिथाइल, पेरेंट चेन में टोटल फाइव कार्बन है तो नेम हो जाएगा पेंट वन ई, और थ्री पर क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, थ्री सल्फोनिक एसिड, क्लियर भाई। टू टाइम्स आ जाए थ्री टाइम्स, तो बेटा इसमें तो एडिशन सफिक्स का वैसे ही कोई लफड़ा नहीं है। देखो SO3H, SO3H, ये देखो, क्लियर भाई। तो देखिए यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री पर क्या आ रहा है बेटा मिथाइल, नेम क्या हो जाएगा थ्री मिथाइल, पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं फाइव, तो पेंटेन, टू और फोर पे क्या आ रहा है डाई सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, चेक करें भाई। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, मैंने लिखा SO3H और यहां लिख दिया एसिड और यहां पर लिख दिया ब्रोमो, चेक करना। अब बेटा चेक करो सीनियर बॉन्ड सल्फोनिक या सल्फोनिक या कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। तो बेटा अब अपने को नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, सीनियर की तरफ से, सीनियर कौन है कार्बोक्सिलिक। तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल ब्रोमो सल्फोनिक, अब ये मत बोल देना कि सल्फोनिक अब सीनियर है, नहीं बेटा, अब सल्फोनिक केवल और केवल क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम हमेशा कैसे लिखा जाता है अल्फाबेट, इसलिए थ्री ब्रोमो, थ्री पर क्या है ब्रोमो, टू पे है मिथाइल, थ्री ब्रोमो टू मिथाइल, और उसके बाद में चक्कर में फोर पे क्या आ रहा है सल्फो, तो फोर सल्फो, फोर सल्फो। पेरेंट चेन में टोटल फोर कार्बन है तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि भाई अब तो सीनियर कौन आ गया कार्बोक्सिलिक आ गया। इसी तरीके से देखें बेटा, वापस से मैंने सीनियर कौन सा ले लिया एसिड, यहां लिख दिया SO3H और यहां लिख दिया हाइड्रोक्सिल, देखो वन टू थ्री फोर। अब बेटा ये मत बोल देना कि सीनियर, सीनियर तो एसिड है, सीनियर एक ही हो सकता है एसिड सीनियर, तो बाकी ये दोनों क्या बच गए सब्स्टिट्यूएंट्स। मैंने जो ये टेबल बनवाई है बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, किसके लिए है सीनियर के लिए, सीनियर मतलब सफिक्स के लिए। तो बेटा सबसे पहले नेम लिखेंगे थ्री हाइड्रोक्सी, थ्री पर क्या है हाइड्रोक्सी, टू पर है सल्फो, टू सल्फो, पेरेंट चेन में टोटल फोर कार्बन है तो नेम हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोइक एसिड, नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। चेक करें बेटा सल्फोनिक के नेमिंग के अंदर डाउट है तो बोले फटाफट, क्लियर भाई। हाँ भाई मुकेश डाउट है क्या, मुकेश हर्षिता बेटा, हर्षिता डाउट है इस नेमिंग में, प्रज्ञा डाउट है क्या बेटा जी इसमें, डाउट है तो बोले फटाफट। हाँ भाई डाउट है तो बोले फटाफट, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, रिंग में भी एग्जांपल देखते हैं इसके, किसमें रिंग में। तो बेटा सबसे पहले सीनियर पहचानना है, ध्यान रखें सबसे पहले क्या देखना है सीनियर,
और सीनियर किसके अकॉर्डिंग पहचानोगे बेटा, टेबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है, अपन ने ये रिंग बना ली 5 मेंबर और यहां लगा दिया सल्फोनिक, तो बेटा इसमें कार्बन था ही नहीं, इसलिए एडिशन सफिक्स में नहीं था। पेरेंट चेन में चेक करो टोटल कार्बन कितने, 5। नेम क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और बेटा उसके बाद में 1 सल्फोनिक एसिड, या 1 लिखो या न लिखो, क्योंकि सीनियर है, 1 पे आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से देखो बेटा, ये 6 मेंबर रिंग ली मैंने, अब की बार डबल बॉन्ड लगा दिया यहां पर, यहां पर मैंने इथाइल, ये हाइड्रोक्सिल। देखो सीनियर कौन है, कार्बोन सल्फोनिक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देखो बेटा हाइड्रोक्सी और ये क्या है, इथाइल, पहले नेम किसका, इथाइल का, तो 5 इथाइल, 5 पे इथाइल है, 4 पर हाइड्रोक्सी है, 5 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्स, 2 पर क्या है बेटा, ईन, 2 पर क्या है, ईन। और बेटा उसके बाद में क्या लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड या 1 सल्फोनिक एसिड, या क्या लिख देंगे बेटा, 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर बेटा, ऐसे देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मैंने ऐसा, ये 5 मेंबर रिंग बना दी और ये मैंने ये बना दिया चक्कर, ये डबल बॉन्ड, ठीक है भाई, चक्कर है। अब देखो बेटा सीनियर कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक, तो बेटा देखो 1, अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं किसकी तरफ, 2, 3, 4 और ये 5, दो सब्स्टिट्यूएंट्स, मिथाइल और सल्फो। पहले नाम किसका बेटा, मिथाइल का, तो सबसे पहले नेम लिखेंगे 5 मिथाइल, 4 पे है सल्फो, 4 सल्फो, साइक्लोपेंट, 2 पर है ईन, साइक्लोपेंट 2 ईन, और कार्बोक्सिलिक है 1 पे, तो क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, ऐसे बेटा अगर अपन बेंजीन ले लें, बेंजीन पर सल्फोनिक लगा दे, देखो ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, देखो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये देखो इधर से 3 पर क्लोरो, इधर से 3 पे मिथाइल, तो किसकी तरफ बेटा, क्लोरो की तरफ, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बार चेक करें भाई, मैंने ये सीनियर क्या ले लिया, एसिड, तो सीनियर ये हो गया, ये क्या हो गया, सल्फो, और ये क्या हो गया, एमीन। देखो बेटा 1, 2, 3 और ये क्या आ गया, तो नेम सबसे पहले एमीनो का, तो बेटा 3 एमीनो, 4 सल्फो, 4 सल्फो बेंजोइक एसिड, या बेटा बेंजीन कार्बोक्स लेके ऐसे। क्लियर है बेटा, ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। देखो मैंने ये बेंजोइक एसिड लिया, चेक करना, और मैंने ये 3 पर मिथाइल लगाया, और मिथाइल पर क्या लगा दिया, सल्फो, चेक करना भी बार बेटा, सीनियर ये 3 पर क्या है, मिथाइल, और मिथाइल पर क्या है, सल्फो, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या हो गया बेटा, 3 सल्फो मिथाइल, अरे मिथाइल सल्फो नहीं, सल्फो मिथाइल, देखो पहले मिथाइल है, मिथाइल पर क्या है, सल्फो है। क्लियर है, तो सल्फो मिथाइल, और बेटा नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। चेक कर सकते हैं भाई, डाउट है तो बोले बेटा फटाफट। हाँ भाई, हाँ बेटा देखो,
क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट डाउट है बोले बेटा, फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये तो सल्फोनिक का हो गया, नेक्स्ट है एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्या है बेटा? एनहाइड्राइड। देखो मैंने एनहाइड्राइड कॉमन में भी लिखना बताया था, सेम पैटर्न है, सेम तरीके से, सेम तरीके से किसका लिखेंगे बेटा? एनहाइड्राइड का। ठीक है भाई, तो बेटा मैंने बताया था पहले भी कि यदि अपन एसिड के कितने मोल यूज में ले लें? दो मोल्स बेटा। इनको हीट करें तो यहां से क्या रिलीज कर दो? H2O। जैसे ही H2O रिलीज होगा तो आपके पास में क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा बेटा? एनहाइड्राइड। और मैंने ये भी बताया था एनहाइड्राइड में यदि दोनों तरफ वैलेंसी सेम ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई हो तो इसे बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। और यदि डिफरेंट आ जाए तो बेटा उसका क्या बोल देंगे अपन? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या कह देंगे बेटा? मिक्स्ड एनहाइड्राइड कह देंगे। क्या कहने वाले हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो बेटा जब भी एनहाइड्राइड के नेम में डाउट हो तो एसिड से H2 हटाने पर क्या बनता है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड में क्या ऐड कर दिया करो बेटा? H2। वो नाम किसका आ जाएगा आपके पास में? एनहाइड्राइड का जाएगा। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल ये लिया तो बेटा पहले भी मैंने ये चीज बताई थी, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो एक कार्बन है सिमेट्रिकल है तो क्या लिख देंगे? मेथ प्लस में एन, मेथेन प्लस में ओइक, सफिक्स क्या था? ओइक, तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक एनहाइड्राइड। नेम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एनहाइड्राइड। भाई ऐसे क्लियर नहीं हो तो आप HOH हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो बेटा देखो यहां पर क्या बनेगा? एसिड। ये दूसरा भी क्या बनेगा? एसिड। चेक कर लें बेटा क्लियर है कि नहीं। देखो इसका नाम क्या था? मेथेनोइक। एसिड की जगह क्या लगा दो बेटा? एनहाइड्राइड। ऐसे ही देखें बेटा, अगर अपन ने ये दोनों तरफ वापस से सेम ले लिए, देखो बेटा नेम क्या हो जाएगा? दो है दो एथेनोइक। नेम क्या हो जाएगा बेटा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। नेम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे अगर अपन बेटा डिफरेंट ले लें देखो बेटा अलग अलग, ये दो हैं एथेनोइक, बनेगा ही नहीं बनेगा। एक कार्बन से क्या बनेगा? मेथेनोइक। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेम लिख दें, नेम क्या हो जाएगा बेटा? एथेनोइक मेथेनोइक, एथेनोइक मेथेनोइक, और फिर क्या लिख देंगे बेटा? एनहाइड्राइड। क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड। ऐसे ही देखें बेटा, देखो थ्री कार्बन है प्रोपेनोइक, एक कार्बन है मेथेनोइक, डिफरेंट है दोनों का नेम लिख दो, नेम क्या हो जाएगा बेटा? मेथेनोइक। उसके बाद में प्रोपेनोइक, मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, और एंडिंग में क्या लगा दें बेटा? एनहाइड्राइड। बेटा जब भी डाउट हो तो एनहाइड्राइड में क्या ऐड कर दिया करो? H2O। H2O ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड। एसिड का नेम लिख दें बस, एसिड की जगह क्या लिखना है? एनहाइड्राइड, क्योंकि सफिक्स भी क्या है? सेम ही है। क्लियर अभी? डाउट है तो बोले बेटा। हाँ भाई देखो बेटा क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट, समझे बेटा नेक्स्ट। ठीक है देखो,
जैसे भाई इसका नेम लिखना है, नेक्स्ट चेक करो, बेटा क्लियर नहीं है तो इसमें क्या ऐड कर दो, H2O, तो क्या बन गया, एक एसिड ये बन गया, दूसरा एसिड ये बन गया, और दोनों सेम है तो इसका नाम क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन भाई, नहीं बेटा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कि बेटा रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है तो क्या यूज में लेना पड़ेगा, एडिशन सफिक्स। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, ये देखो बेटा बेंजोइक बनेगा और ये क्या बनेगा, एथेनोइक, चेक कर लें बेटा, अरे भाई H2O ऐड करके देख लें आप, देखो एक एसिड तो ये बना बेंजोइक और एक एसिड बेटा ये बन गया, नाम क्या है, एथेनोइक है कि नहीं, अल्फाबेट क्या कोडिंग नेम लिख दें, बेंजोइक एथेनोइक, बेंजोइक एथेनोइक, और एंडिंग में क्या लिख देंगे बेटा, एनहाइड्राइड, दिक्कत है क्या, देखो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, अपन ने ये एग्जांपल लिया बेटा, देखो भाई अब क्लियर है नहीं है अपने को, क्लियर है नहीं है कि कैसे करें, तो इसमें क्या ऐड कर दो बेटा, H2O ऐड कर दो आप, HOH, देखो बेटा क्या बन जाएगा अपने पास में, ये एसिड बनेगा और इस एसिड का एजिटीज नेम लिख दे, देखो 1 2 3 4 रिंग आ रही कि नहीं, एसिड में नहीं आ रही तो साइक्लो भी नहीं आएगा, देखो साइक्लो यहां पर आया है, यहां पर साइक्लो नहीं आएगा, चेक कर लें, नेम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन डाइओइक, ब्यूटेन डाइओइक एसिड की जगह क्या लिख दो बेटा, एनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, देखो ये एनहाइड्राइड बना दिया अपन ने, ये मैंने इथाइल लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, देखो बेटा इसमें H2 ऐड कर दें, जैसे ही H2O ऐड होगा, एक एसिड इधर बन गया, एक एसिड इधर बन गया, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, नंबरिंग किधर से, 1 2 3 4 और ये 5, 2 पर इथाइल 4 पे मिथाइल, तो नेम हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल, पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है, तो नेम हो जाएगा बेटा पेंटेन, 1 4 डाइओइक, या आप डाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डाइओइक, और एंडिंग में अपन क्या लिख देंगे बेटा, एनहाइड्राइड, क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड, क्लियर बेटा, डाउट है क्या, देखो आज की क्लास में अपन ने क्या लिखा है भाई, एसिड का नोमेनक्लेचर देखा है, एनहाइड्राइड का और सल्फोनिक का, तो बेटा जब भी एनहाइड्राइड में डाउट हो तो क्या करें, उसमें H2O ऐड कर दें, एसिड बनेगा, एसिड का एजिटीज नेम लिख दें, बस एसिड की जगह क्या लिख देना, एनहाइड्राइड लिख देना, डाउट है तो बोले भाई फटाफट, डाउट बोले भाई, हाँ भाई, हाँ जी, तब डाउट है क्या, मुकेश, प्रज्ञा, शाहरुख, यूवी, हाँ भाई, डाउट बोलो बेटा, क्लियर है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे, क्लियर भाई, आज अपन इतना ही रखते हैं।